हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मेरे साथ है मेरी एल्डर सिस्टर, जो आप लोगों को कंप्लीट बीएससी कोर्स के बारे में बताएगी। बीएससी कोर्स किसको करना चाहिए और फ्यूचर में हम बीएससी के बाद और क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। उसकी ट्वेल्थ में थी 95%। अगर मैं बात करूं उसके बीएससी की, तो वह अभी अपने थर्ड ईयर में। अब बात करूं मैं उसके अभी तक की ओवरऑल परसेंट की, तो वह है 85%। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अदिति। मैं आपके साथ हूँ आज आपको बीएससी कोर्स के बारे में बताने के लिए। बीएससी से रिलेटेड आपके जो भी सारे डाउट्स हैं, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, तो जैसा कि अभिषेक ने बताया, मैं बीएससी लास्ट ईयर में हूँ अभी, और मैं बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री ZBC से कर रही हूँ। तो अभी बीएससी मैं DSB कैंपस नैनीताल से कर रही हूँ, जो कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो उसमें हम बात करेंगे कि बीएससी होता क्या है। तो बीएससी एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बैचलर ऑफ साइंस की बेसिकली एक डिग्री होती है जो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होता है? पढ़ना आपको नॉर्मली वही सब होता है, अगर आप बात करें नॉर्मल, अगर आप कर रहे हैं बीएससी ZBC से या PCM से। तो मैं इसके बारे में पहले क्लियर कर देती हूँ। इसमें आपको सिर्फ वही पढ़ना पड़ता है जो आप 11th और 12th में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर आप 11th और 12th में और आगे BSc, ZBC या PCM से कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको BSc में भी वही पढ़ना है। तो अपने नोट्स आप उसी बेसिस पे प्रिपेयर कीजिएगा, ताकि आप BSc में भी उन्हीं नोट्स को दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये सब नोट्स, अगर आप वही सब प्रॉपरली बनाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी BSc में, क्योंकि टोटल वही पढ़ना होता है 11th और 12th। तो थोड़ा सा कहीं पे इलैबोरेटेड फॉर्म में हो सकता है, वरना ज़्यादा आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर आप 11th 12th के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बेसिकली कहा जाए तो। तो ये तो हो गया बीएससी के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बात आती है बीएससी किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। बीएससी मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को करनी चाहिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। टीचिंग लाइन आप देखते ही हैं, आजकल काफ़ी इंटरेस्टिंग और जॉब प्रोवाइड करने वाली लाइन बन गई है। यहाँ पे से मोस्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस लाइन में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे से जो जॉब सिक्योरिटी होती है, एक तो गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट जॉब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। तो यहाँ पे उन्हीं लोगों को प्रेफर करना चाहिए जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है आपको, लेक्चरर या प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में आपको पढ़ाना है, तो आप इस लाइन को प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर बात आती है क्वालिफिकेशन की, अगर जो लोग बीएससी करना चाहते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 12th में? अगर क्वालिफिकेशंस की बात करें तो क्वालिफिकेशन बेसिकली वही होता है कि अगर आपने 12th कर रखी है, 12th आपकी 50% से अबव मांगते हैं मोस्टली। अगर 50% से अबव आपकी परसेंटेज है, तो आपको बीएससी में एडमिशन मिल जाता है। पर ये वेरी भी करता है, जैसे कि आपके अच्छे कॉलेजेस जो होते हैं, वहाँ पे आपको आपकी 12th की परसेंटेज तो देखी जाती है, और वो मोस्टली हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स को ही लेते हैं। तो लेकिन अगर आप जैसे अच्छे कॉलेजेस देखें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाना प्रेफर करते हैं, जैसे आप जाना चाहते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, या फिर और भी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाना प्रेफर करते हैं बीएससी के लिए, तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, CUET का एग्ज़ाम होता है, जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत सारे कॉलेजेस के लिए होता है। तो आप इस एग्ज़ाम के थ्रू इन यूनिवर्सिटीज़ में एंटर कर सकते हैं। और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं अपने बैचलर्स के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रिमार्क होता है। क्योंकि देखिए, बीएससी अगर आप ZBC या PCM से कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी बहुत बेसिक से डिग्री होती है। तो अगर आप कॉलेज भी वैसा ही चुनेंगे जैसा आपकी डिग्री है, तो फिर आपको जॉब की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि देखो, हमने तो बीएससी ZBC से करी है, लेकिन उस यूनिवर्सिटी से करी है जैसे BHU से करी है, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपको बताने में भी, और आपके इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। तो लोगों को बीएससी के बाद और क्या करना चाहिए? बीएससी के बाद देखो, बीएससी एक क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल की डिग्री है, तो आपको इसके बाद तो जॉब नहीं मिल सकती है। अगर आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू कर रहे हैं, जैसे बीएससी आपने माइक्रोबायोलॉजी से करी है, बायोटेक से करी है, या एग्रीकल्चर से कर रखा है, तो आपको जॉब के चांसेस हैं। लेकिन बीएससी अकेले ही काफ़ी नहीं होती है आपके जॉब लगने के लिए। तो जॉब में लगने के लिए आपको या तो पहले मास्टर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, जैसे किसी भी चीज़ की बात करें, जैसे आप
बीएससी बायोटेक से कर रहे हैं तो आप उसमें मास्टरी हासिल कीजिए तो आपको जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ कौन सी प्रेफर करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ आपको स्पेशली जब आप मास्टर्स के कोर्सेज़ कर रहे हैं तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बैचलर्स में तो आप चलो नहीं भी ले रहे हैं यूनिवर्सिटी अच्छी तो कोई बात नहीं यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मास्टर्स के बाद आपको जॉब्स के ऑफ़र आते हैं। स्पेशली जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज को देखा जाए माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर बायोटेक इन सब में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मास्टर्स के बाद हाई रहती हैं तो आप अगर इनसे मास्टर्स करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी का बहुत ध्यान रखना है। यूनिवर्सिटी में अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिली है तो अच्छी प्लेसमेंट होगी और अच्छी जॉब मिलेगी अच्छी सैलरी होगी आपके पास। अगर आप फिर मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं जैसे कि आप, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट टीचिंग का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, आप टीईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं जो कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और इसके बाद आपको ये सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बात कर रही हूँ मैं, टीईटी का एग्ज़ाम होता है डीएलएड का एग्ज़ाम होता है, ये बेसिक ग्रेजुएशन ही मांगते हैं। तो अगर आपने बीएससी कर ली है तो आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप आराम से टीचर्स की जॉब आपको मिल सकती है। तो ये बहुत ही, और कौन कौन से एग्ज़ाम की मैं अगर बात करूँ तो बीएड हो सकता है, बीपीएड हो सकता है अगर आप फिज़िकल एजुकेशन से करना चाहते हैं तो बीपीएड का एग्ज़ाम होता है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ये सब ऑफ़र करती हैं, वहाँ एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप प्राइवेट से करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, पर फिर आपको गवर्नमेंट जॉब की थोड़ी वो रहती है, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल पाएगी उससे। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं गवर्नमेंट तरीके से करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब की चांसेस ज़्यादा हैं। तो बीएससी करने के बाद लोगों के पास बेस्ट करियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? करियर ऑप्शंस की जैसे मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी कि बीएससी उन्हीं लोगों को करनी चाहिए जो टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, टीचिंग जिनको करना पसंद है। तो करियर में आप इसमें देख सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको आप प्राइमरी स्कूल्स में हाई स्कूल्स में आराम से पढ़ा सकते हैं। और इस पर इनके लिए वही क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि आप बीएससी तो कर रहे हैं लेकिन आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आज के लिए बहुत मस्ट है, स्पेशली जब आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं। प्राइवेट जॉब्स में देखा जाए तो प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं होता है, बस आपको अपना रिज्यूम अच्छा बनाना होता है तो उसके बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली इंटरव्यू होता है पहले वहाँ पे भी, उसके बाद आपको जॉब्स आराम से मिल जाती है। तो हम बीएससी करने के बाद आगे क्या क्या और कर सकते हैं स्टडीज़ में अपनी? स्टडीज़ में और देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने बताया आप मास्टर्स कर सकते हैं जो कि 2 साल की डिग्री होती है। मास्टर्स आप जैसे ZBC या PCM की बात करें तो आप मास्टर्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, जैसे केमिस्ट्री में कर सकते हैं आप मास्टर्स की डिग्री, या जूलॉजी या बॉटनी, ऐसे ही सब में होता है। तो अगर आप जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें तो मास्टर्स का कोर्सेज वहाँ के लिए भी मस्ट होता है। आपको मास्टर्स का, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप कोशिश ये करिए कि आप मास्टर्स की डिग्री भी उसमें लें क्योंकि उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर आप PCM या ZBC से कर रहे हैं तब भी आपको मास्टर्स अगर उससे कर भी लेते हैं उसी में आगे, तब भी आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं रहती है, आपको तब भी जॉब नहीं मिल सकती है क्योंकि अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया आप बीएड का एग्ज़ाम डीएलएड का एग्ज़ाम ये सब क्वालिफाई करते हैं तभी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। और इसके बाद एक और भी रहता है, आप नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपको आप एलिजिबल हो जाते हैं सारे एग्ज़ाम देने के लिए। नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये भी ऑलरेडी नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना भी बहुत टफ़ बात होती है, बहुत टेढ़ी खीर है कहा जाए तो, इतना इजी तो खैर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं होता है। अब नेट के एग्ज़ाम के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, या फिर आप JRF, अगर आपके नेट के एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे हैं तो आप JRF जो कि होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 25,000 या समथिंग ऐसी आपको सैलरी भी मिलती है पर मंथ, और इसके साथ साथ आप रिसर्च कर सकते हैं JRF में अगर आपके JRF वाली रैंक आ जाती है। तो शुरुआत में आपने हमारे व्यूवर्स को बताया था हमें हमेशा अपना अंडर ग्रेजुएशन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से करना चाहिए, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ मतलब जैसे हम कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ से कर सकते हैं अपनी अंडर ग्रेजुएशन? तो यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली आपको यूनिवर्सिटीज़ आप मास्टर्स में भी ध्यान रखना है आपको यूनिवर्सिटी का, और बैचलर्स में भी ध्यान देना है। तो बैचलर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, CUET के थ्रू आप
या तो अच्छे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो CUET का एग्ज़ाम प्रेफर करती हूँ मैं। CUET का एग्ज़ाम दीजिए और आपका जो अच्छे को आपके रैंकिंग के बेसिस पे आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा CUET के एग्ज़ाम के थ्रू। अब हम बात करें अगर आप CUET का एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे हैं तो आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है वहाँ पे। तो जैसे हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की, कुमाऊँ यूनिवर्सिटी भी एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है, रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी है। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी के अंदर कोशिश करें कि आप अच्छा कॉलेज चूज़ करें, जैसे DSB कैंपस नैनीताल। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बट यहाँ की स्टडी के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ टीचर्स काफ़ी मेहनत करते हैं पढ़ाई के लिए, तो बच्चों को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप DSB कैंपस नैनीताल में प्रेफर कर सकते हैं। और अगर और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो आप MET यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर में जा सकते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू आप अपनी बैचलर डिग्री पूरी कर सकते हैं। आई होप आपको अब तक BSc कोर्स के बारे में समझ आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू। तो मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी मुझे पता थी मैंने आपको सारी बताने की कोशिश करी है। मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी कि BSc अलोन काफ़ी नहीं है। BSc के बाद आप मास्टर्स करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालें, तभी आपकी जॉब लगेगी। BSc से खाली कोई जॉब नहीं लगती है आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, चैनल को न भूलना। थैंक यू।